आज हम आपको टीवी के कुछ ऐसे फेमस बाप बेटे की जोड़ी के बारे में बताएंगे जिनकी उम्र का असली अंतर आपको हैरान कर देगा। तो बिना देर किए आइए जानते हैं जेठालाल चंपकलाल। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर जेठालाल और चंपकलाल जयंती लाल गड़ा को देख लीजिए। जेठालाल के किरदार को एक्टर दिलीप जोशी निभा रहे हैं और चंपकलाल के किरदार में एक्टर अमित भट्ट हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप जोशी की उम्र अपने ऑन स्क्रीन बाबूजी अमित भट्ट से 4 साल बड़ी है। करण पटेल अभिषेक वर्मा। एक्टर करण पटेल और अभिषेक वर्मा ये है मोहब्बते में बाप बेटे का किरदार निभा रहे हैं। करण की उम्र 35 साल है तो वहीं अभिषेक 28 साल के हैं। रोनित रॉय सुमित सचदेव। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आपने रोनित रॉय को मिहिर वीरानी के किरदार में देखा होगा। इस शो में उनके बेटे के किरदार में नजर आए थे एक्टर सुमित सचदेव। जानकर आपको हैरानी होगी कि असल जिंदगी में रोनित और सुमित की उम्र में महज 8 साल का ही अंतर है। रोनित जहाँ 51 साल के हैं तो वहीं सुमित 42 साल के हैं। करण मेहरा रोहन मेहरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नक्श और नैतिक के किरदार में नजर आ चुके हैं ये दोनों ही एक्टर। लेकिन असल जिंदगी में इनकी उम्र में महज 7 साल का अंतर है। करण जहां 35 साल के हैं तो वहीं रोहन की उम्र 29 साल है। रजत टोकस सिद्धार्थ निगम। सीरियल चंद्र नंदिनी में रजत और सिद्धार्थ पिता पुत्र की जोड़ी में दिखे थे। लेकिन असल जिंदगी में रजत 26 साल के हैं तो वहीं सिद्धार्थ की उम्र 17 साल है। महेश ठाकुर नकुल मेहता। इश्कबाज में बाप बेटे के किरदार में नजर आ रहे एक्टर नकुल मेहता और महेश ठाकुर, असल जिंदगी में इन दोनों की उम्र में बहुत ही कम अंतर है। तो ये थी टीवी की वो बाप बेटे की जोड़ी जिनकी उम्र में असल जिंदगी में काफी कम अंतर है।